हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम यजीद की खिलाफत मानने से इनकार कर दिए, क्योंकि यजीद आपके हिसाब से मुसलमानों के इमाम और खलीफा होने के लायक नहीं था। यजीद एक बहुत बुरा इंसान और रसूल खुदा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ तमाम कामों को अंजाम दिया करता था और जुआ शराब जैसे हराम काम किया करता था। हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़कर मक्का आ गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाहु ताला अन्हु को हालात देखने के लिए कूफा भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कूफा के लोगों ने आपका इस्तकबाल इस तरह किया कि जिस तरह कोई अजीम मेहमान का इस्तकबाल किया जाता है, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर 18,000 लोगों ने बैत की और मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हज़रत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम एक ख़त भेजा, जिसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है और लोगों ने मेरे हाथ पर बैत किए, इसलिए आप अलैहिस्सलाम कूफा जल्द से जल्द आ जाए। लेकिन जब यजीद ने कूफा के लोगों को धमकाया और पैसे और दुनियावी माल की लालच दी तो वो लोग यानी कि कूफा के लोग अपनी बात से मुकर गए और हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। यहाँ पर दूसरी तरफ मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त मक्का मुकर्रमा में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा, जिस ख़त में लिखा हुआ था कि हालात बिल्कुल सही है, आप जल्द से जल्द यहाँ पर तशरीफ़ लाए। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम घर वालों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए। अभी तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की मौत और कूफा के धोखेबाज लोगों की खबर ना पहुँची, लिहाजा आप कई मीलों दूर तक सफ़र करते रहे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुँच गए तो आपको यजीदी सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की कि हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस शहर में ना हूँ तो फिर वापस मुझे जाने दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी सिपाहियों ने आप अलैहिस्सलाम को कूफा में दाखिल होने नहीं दिया और करबला नामी जगह पर आपने खेमे गाड़ दिए। इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम और आपके घर वाले मक्का मुकर्रमा छोड़कर कूफा की जानिब आ गए और करबला नामी जगह पर रुक गए, और इसके बाद जंगे करबला शुरू होती है। सलाम हो शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।